इस लोक में क्या दुर्लभ है, ऐसी बोधि दुर्लभता की भी वह चिंता करने लग जाते हैं। निगोद थावरत्त सत्त पुंड सब देह दा मई सुदस्सनान दायणम मदाय रम्मदा विभूति सौख संपदाय धम्म कज्ज मुखदा इमाय उत्तरोत्तरा सुदुल्लहा पगोहिदा। विचार करते हैं निगोद से स्थावर पने को प्राप्त करना, स्थावर से त्रसपने को प्राप्त करना, त्रिशों में भी पर्याप्तक शरीर मिलना, जन्म मिलना और सब प्रकार से देह के सकलता होना, देह के सभी अंग मिलना, सकलांग होना और उसके बाद में मई सुदस्सनानदा बुद्धि श्रुत ज्ञान को जानने में लग जाए, उसके बाद भी नम्रता का भाव बना रहे और इसी में हमारे लिए रम्यता नजर आए, अनेक प्रकार की विभूति और सौख्यों की संपदाओं के बीच में भी धर्म कार्य की मुख्यता हो, ये सब चीजें इमाया उत्तरोत्तर सुदुल्लहा पबोहिदा, ये सभी चीजें आगे आगे दुर्लभ हैं ऐसा विचार करते हुए वह अपने मन में ये बोधि दुर्लभ भावना भाते हैं। परेण भिन्न रूवदोय सब्बहाणि जम्मिया रुई पैदि वेदनाय निच्छयोय धारणा समाहि भावना सयाहि निप्पियप्प साहना सुबोहि दुल्लहा मदा सुबोहि दुल्लहा मदा। दूसरों से अपना स्वरूप हमेशा भिन्न है और अपने ही स्वरूप में रुचि होना, उसी की प्रतीति होना, उसी का ज्ञान होना, उसी का निश्चय होना, उसी की धारणा होना और ऐसा होते होते समाधि की भावना होना, निर्विकल्प साधना करना, ये सब बोधि दुर्लभता की भावनाएं हैं।